आज हम बनाने जा रहे हैं मैं छोले। हाफ किलो चना भिगो रखा हूँ, और इसमें देखिए ये दो तीन पत्ता तेज पत्ता का ले रखा हूँ, और तीन चार इलायची, और थोड़ी सी पाँच छः लौंग, और थोड़ी सी दालचीनी, ये भी इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। हाफ टी स्पून के आसपास मीठा सोडा डाल रहा हूँ। हाफ किलो चना में लगभग मैंने एक लीटर पानी ले रखा हूँ। इसमें आप टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डाल सकते हो। मैं इसमें भी दो टी स्पून के आसपास इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ। मैंने इसे कुकर बंद करके तीन से चार सीटी इसे लगाऊंगा। ये देखिए हमने इस छोले को चार सीटी लगवाया, जब बंद किया तो आपको मैंने दिखाया था, बिल्कुल हमारे चना बिल्कुल सॉफ्ट से पक चुके हैं। देखिए बिल्कुल घुले हुए जैसे पक चुके हैं। मैंने कढ़ाई में लगभग 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल चुका हूँ, और इसमें मैं देखिए तेजपत्ता दो, थोड़ी सी दालचीनी और दो से इलायची डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने लगभग एक पाव के आसपास चॉपिंग किया हुआ प्याज ले रखा हूँ, वो भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। टू टी स्पून के आसपास मैंने लहसुन का मतलब कूट रखा हूँ, और थोड़ी सी चॉपिंग कर रखा हूँ। टू टी स्पून के आसपास अदरक मैंने पहले भी मैं चने में नमक डाल रखा था, तो इसे चेक देख लेता हूँ कि इसमें नमक कितना है, उसी हिसाब से मैंने अपने प्याज में भी नमक ऐड करूँगा। हमने चना में तो देखा नमक तो चना के हिसाब से सही है, मगर हमने तड़का में डाल सकता हूँ नमक, तो इसलिए मैंने इसमें और 1 टीस्पून के आसपास नमक मैंने डाला कि प्याज हमारी जल्दी मल्ट हो जाए। अब देखिए मैंने जीरा और धनिया दोनों का हमारे पास मतलब पहले से मिक्सी में मैं ग्राइंड कर रखा था, तो इसे मैं 2 स्पून इसे भी ले रहा हूँ। 1 स्पून आपका टर्मरिक पाउडर ले रहा हूँ। छोला मसाला ये 2 स्पून ले रहा हूँ। 1 स्पून के आसपास मैंने कसूरी मेथी के डाला, और इसमें मैं चुप कर रखा हूँ 3 टमाटर लगभग 200 ग्राम के आसपास, तो इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसमें मैं थोड़ा सा देगी मिर्च का इसे कलरफुल के लिए भी थोड़ा सा दे रहा हूँ, और अब टिक्की के हिसाब से अपने अंदाज डाल लिया। मैं इसमें लगभग 1.5 टी स्पून के आसपास में देगी मिर्च ऐड कर दिया। देखिए मैंने इसे मतलब भून रखा हूँ, और इसे मिक्सी में मैं ग्राइंड करूंगा थोड़ी सी मतलब 5 मिनट ठंडा होने के बाद। पूरा ग्राइंड कर जितने इंग्रेडिएंट मैंने डाला था कढ़ाई में वो सारा कुछ ग्राइंड कर लिया। सेम वही है आपको मिक्सी निकाल दिया था, और इसमें थोड़ी सी ऑयल डालता हूँ जैसे 1 टी स्पून के आसपास, थोड़ी सी आपका जीरा इसमें मैं 1/2 टी स्पून से भी कम ले रखा हूँ। और इसे मैं लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे भूनूंगा, जब तक मतलब थोड़ा सा ना भून जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें चना ऐड कर दूंगा। वो थोड़ा सा मैंने मतलब इसे मैं कूट भी लूंगा हल्का सा कि मतलब बिल्कुल वो ना हो, ये देखिए थोड़ा सा कूट लूंगा, और इसमें जितना कुछ डाल रखा था मैं इलायची सारा कुछ आउट कर लूंगा। मैंने उसमें 6 से 7 मिनट में इसे मतलब जो पिसा हुआ इंग्रेडिएंट था अपना मसाला बिल्कुल भून रखा हूँ, ये अच्छे तरीके से भून चुका है, और इसको मतलब चलाते रहना है, इतना हो कि मतलब नीचे से आपकी लग जाए कढ़ाई के नीचे से। और ये देखिए एक छोला जाने लगा, मतलब ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब देखिए इसमें जितने छोला है मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला अभी ऐड लेता हूँ लगभग 1/2 टी स्पून के आसपास। अब देखिए हमारा छोला तो इसमें मैं डाल चुका हूँ, और इसे अब धीमी आँच करके लगभग मैं 5 से 7 मिनट मतलब चला के पकाऊंगा कि मतलब चने के अंदर भी बिल्कुल मसाले के टेस्ट आ जाए। और इसमें मैं इमली थोड़ी सी भिगो रखा हूँ, और आप अपने खट्टे के हिसाब से अभी इसे अंदाज से थोड़ा डालिए, उसमें ज़्यादा नहीं बट एक छोटी सी इमली ले रखा था तो उसे भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो आप खट्टे के हिसाब से ले सकते हो, ज़्यादा अगर खट्टा खानी है और नहीं खानी है तो मत डालिए। और हमें इसे ढक के लगभग 5-7 मिनट तक इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल आने दूंगा। देखिए हमारा छोला बन के तैयार हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।